फ्रेंड, हमने एनिमल हाउसिंग में कल लूज हाउसिंग के बारे में स्टडी किया था कि पशुओं को कुछ खुले स्थान पर रखते हैं और दूध और अन्य विपरीत परिस्थितियों में कवर्ड प्लेस पर रखते हैं, और कल ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस किए थे। आज हम कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम में पशुशाला का भवन पूरा ढका होता है और पशु हर समय इसमें बंधा होता है। बांधने के लिए जंजीर या दो पाइप का प्रयोग करते हैं जिनके बीच में उसको खड़ा रखा जाता है, और पशु एक स्थान पर खड़ा खड़ा दाना चारा दाना प्राप्त करता है और दूध भी वहीं निकाला जाता है। इस कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम में दो तरह के इसका प्रयोग है, एक तो है सिंगल रो सिस्टम और दूसरा है डबल रो सिस्टम। एक पंक्ति वाले इसमें लेस देन 10 एनिमल, और डबल रो में 10 to 15 up to 100, यानी इसमें 100 तक पशुओं को बांधा जा सकता है डबल रो सिस्टम में। अब डबल रो सिस्टम भी दो तरह का होता है, एक फेस टू फेस, एक टेल टू टेल। फेस टू फेस सिस्टम में पशुओं का मुंह आमने सामने रहता है, और टेल टू टेल में पशुओं का पिछवाड़ा जैसे पास पास में रहता है, उनकी पूंछ एक दूसरे से मिली होती है और गर्दन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। इस कन्वेंशनल हाउसिंग के जो लाभ हैं वो हैं, एक तो पर्सनल केयर, व्यक्तिगत जांच या परख उसकी केयर आसानी से की जा सकती है, टू प्रोटेक्ट एडवर्स क्लाइमेट और ऑप्टिमम मैनेजमेंट, एंड टू केयर सिक एनिमल, जो बीमार पशु है उसका आसानी पूर्वक देखभाल की जा सकती है। ये कन्वेंशनल हाउसिंग के लाभ है। अब इसके डिसएडवांटेज, इसकी लागत ज़्यादा होती है, हायर कॉस्ट। यदि हर्ड साइज बढ़ाना हो तो कठिन होता है, जैसे जानवर हम ले आए खरीद के और उस पशुशाला में हम नहीं रख सकते विदाउट कंस्ट्रक्शन, और रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर श्रम की आवश्यकता ज़्यादा होती है। फ्री मोमेंट ऑफ एनिमल इज प्रोविडेड, इसमें जानवर को खुला विचरण का कोई स्थान नहीं होता। तो इस तरह ये कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम है। अब फेस टू फेस और टेल टू टेल सिस्टम। फेस टू फेस सिस्टम में चारा डालना मुश्किल होता है और फेस टू फेस में आसान होता है। मैनेजर की सफाई टेल टू टेल में इजी होती है और फेस टू फेस में मुश्किल होती है। ऑब्जर्वेशन फेस टू फेस में दोनों के मुंह आमने सामने रहते हैं, इसलिए मैनेजर एक जगह खड़ा होकर उसका ऑब्जर्व आसानी से कर सकता है, और इसमें टेल टू टेल में दिक्कत होती है। निर्माण लागत, पूछ से पूछ वाली जो विधि है उसमें निर्माण लागत ज़्यादा होती है और फेस टू फेस में निर्माण लागत कम होती है। और बीमारी फैलने का खतरा, जो छूत की बीमारी या कंटेजीज है, वो इस पूछ से पूछ वाली जो टेल टू टेल सिस्टम है उसमें बीमारी फैलने की संख्या कम की संभावना कम होती है और फेस टू फेस में ज़्यादा होती है, क्योंकि दोनों फेस टू फेस आपस में श्वास टकराती है, इसलिए कंटेजियस डिजीज़ फेस टू फेस में ज़्यादा होती है। अब विभिन्न पशुओं के लिए कितने कितने कवर्ड एरिया की आवश्यकता होती है, जैसे सांड है, सांड को कवर्ड एरिया 12 वर्ग मीटर और खुला भी 12, और सांड एक सांडशाला में एक ही सांड रहे, नहीं तो आपस में लड़े। गाय को चाहिए ढका क्षेत्र 3.5 और ओपन एरिया 7.8, और एक अक्ष में 5 गायें आसानी से हम रख सकते हैं, 5 से लेकर 50 तक गायों को रख सकते हैं। भैंस की संख्या, इसमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है गाय से, क्योंकि भैंस का जो विड्थ है, लंबाई चौड़ाई गाय से ज़्यादा होती है, इसलिए इसको ढका क्षेत्र 4 मीटर और खुला 8 मीटर चाहिए, और एक पशु के बाड़े में 50 भैंसों को रख सकते हैं। इसी तरह जैसे जो प्रेग्नेंट काऊ है, उनको स्पेस ज़्यादा चाहिए, उनको 12 मीटर चाहिए और खुला क्षेत्र भी 12 मीटर, और एक अक्ष में एक ही प्रेग्नेंट काऊ को रखा जाएगा। इसी तरह जो भेड़ और बकरी है, उनको स्पेस की संख्या स्पेस कम चाहिए, भेड़ और बकरी में 1.22 मीटर, और एक कक्ष में 60 से लेकर 75 भेड़ को रखा जा सकता है। अब इसमें जो बच्चे होते हैं मेमना, वो उनको स्पेस चाहिए 0.4, और ये एक अक्ष में 75 मेमने रखे जा सकते हैं।
हाइब्रिड पशु के लिए कितनी आवश्यकता, जो संकर पशु है उनमें गाय गाय और भैंस में कवर्ड एरिया की संख्या ज़्यादा चाहिए, सांड में जो देसी सांड है उसके बराबर ही उनको स्पेस की आवश्यकता होती है, और डेयरी फार्म की अन्य मुख्य जैसे इमारतें हैं जैसे दुग्धशाला ये भी पूर्ण रूप से ढकी होनी चाहिए, जहाँ की गाय को सिर्फ दूध निकालने के लिए रखा जाता है, और ये पशुशाला के सेंटर में स्थित होनी चाहिए, और इसमें एक या डबल रो में पशुओं को बांधा जा सकता है। इसको स्टेंशन की दो कतारें पूछ से पूछ या सिर से सिर वाले क्रम में रखना चाहिए, और इसमें जो दूधशाला का जो केंद्रीय रास्ता है वो 1.8 मीटर तक होना चाहिए, और दोनों तरफ ढलान होना चाहिए, और स्टाल की प्रत्येक कतार के मध्य एक लंबा मेंजर होना चाहिए, और ये मेंजर केंद्रीय रास्ता के दोनों तरफ यू आकार में 20 सेंटीमीटर चौड़ी नाली होनी चाहिए, और एक पंक्ति वाले दूधशाला में एक ही नाली होती है जो कि गाय के पीछे स्थित होती है, और पशुओं के खड़े होने के स्थान पर फर्श लगाते समय नाली की तरफ 40 मीटर से 1 मीटर की ढाल रखनी चाहिए, और दूधशाला के चारों तरफ दीवार बनी होती है। एक अन्य सेपरेट हाउस की आवश्यकता होती है, वो है प्रसूति कक्ष, प्रेग्नेंट काऊ होती है उसको 2 से 3 सप्ताह पूर्व अलग रखा जाता है, और जैसे 100 हमारे पास काऊ है तो 5 प्रेग्नेंट कक्ष अलग से हम पशुशाला में रखेंगे, जिसमें प्रेग्नेंट काऊ को 2 से 3 सप्ताह पूर्व रखा जाता है। इस कक्ष में गाय को फिसलने से बचाने के लिए फर्श में छोटी नालियां होती है, कंक्रीट सीमेंट और किनारे पर खड़ी ईंटें का फर्श बना होना चाहिए, यानी कच्चा फर्श नहीं होना चाहिए। एक अन्य सेपरेट जो केटल हाउस है वो है जो सिक एनिमल, जो बीमार होता है उसको भी पशुशाला में बीमार पशु या आइसोलेशन बॉक्स होता है, जो बीमार होता है उसको एक अलग कंपार्टमेंट में रखा जाता है। एक अन्य जो उसमें चैप्टर है दैट इज काफ, जो बच्चे होते हैं नवजात उनको भी अलग उनका कंपार्टमेंट होता है, वो वस्त्र बाड़ा कहलाता है, उनको धोने से पूर्व माँ के पास दूधशाला में ले जाया जाता है, और धोने के पश्चात उनको वापस उस कंपार्टमेंट में जो काफ कंपार्टमेंट है उसमें उनको शिफ्ट कर दिया जाता है, और इनमें इनको न्यूट्रिशियस डाइट भी दी ग्रोविंग जो रासायन है वो उनको सप्लाई किया जाता है, ताकि बछड़े वृद्धि और विकास कर सके। और इसी तरह सांड का भी अलग कंपार्टमेंट होता है, और एक बाड़े में केवल एक ही सांड को रखा जाता है। इस तरह ये एनिमल हाउसिंग है जो कि हमने पशुओं को आदर्श मैनेजमेंट के लिए किस प्रकार रखा जाता है इसका स्टडी किया। धन्यवाद।